हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ये सारे के सारे कंटेंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंडिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड सैम्पलिंग एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। सो बेसिकली टीडीएम क्या है, जैसे दैट इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसेंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स विद द पर्पस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। किसी भी पेशेंट की जो मेडिकेशन थेरेपी है उसको हम उसके लिए और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए, ठीक है, उसकी उसको जो है मैक्सिमम सेफ्टी और एफिकेसी प्रोवाइड करने के लिए, कि उसकी ड्रग की जो सेफ्टी और एफिकेसी है वो मैक्सिमम रहे, हम TDM करते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर हम ये उन ड्रग्स के लिए करते हैं जिनकी नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है, जिनकी थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन और टॉक्सिक कंसनट्रेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो गोल्स ऑफ TDM क्या है, बेसिकली टू इंडिविजुअलाइज दी डोजेज टू अचीव मैक्सिमम एफिकेसी, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, टू मिनिमाइज द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, बेस्ट इफेक्टिव बनाते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, क्लिनिकल इफेक्ट को, कॉस्ट इफेक्टिव है। बेसिकली क्या है कि TDM जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स। सो वाई इज इट नेसेसरी, बेसिकली इट इज़ यूजफुल फॉर इफ अ ड्रग हैज़ अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड वेन द डिजायर्ड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स कैन नॉट बी रियली असेस्ड बट आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है। बेसिकली इसमें यह है कि जिनके हम डिजायर टॉक्सिक इफेक्ट्स को पैसे जो है वो मॉनिटर ना कर सकें या उनको असेस ना कर सकते हो, तो इसके लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन जो है हमारी बॉडी पे जो है इफेक्ट होता हो। सो एनालिटिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल टू डिटरमिन द ड्रग एंड मेटाबोलाइट लेवल्स। कुछ ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स में कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रग लेवल्स को इन आवर बॉडी। इसके अलावा कुछ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन है, फार्माकोडायनेमिक वेरिएशन है। सो ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये होता है कि कुछ ड्रग की डोज और उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के दरमियान में जो एक रिलेशन है उसमें अगर कोई चेंजिंग होती है तो दैट इज़ बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि आपको ड्रग कंसेंट्रेशन, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन और टाइम में ग्राफ भी पता चल रहा है डोज ऑफ द ड्रग में, ठीक है, डोज और उसकी जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है उनके लेवल्स में अगर वेरिएशन होती है तो उससे भी जो है वो ड्रग जो है वो अगर टॉक्सिक लेवल पे चली गई है, आउट ऑफ रेंज चली गई है, आउट ऑफ थेरेप्यूटिक रेंज है, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा है फार्माकोडायनेमिक वेरिएबिलिटी। इसमें यह है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट, अगर ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है वो रिसेप्टर साइट पे कम ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी लिहाज से उसका रिस्पॉन्स भी वेरी करेगा, ठीक है। सो ये कुछ ड्रग्स हैं, लाइक हमारे पास डाइजॉक्सिन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसकी थेरेप्यूटिक रेंज चाहिए मोर देन 2 माइक्रोग्राम, ये जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करेगी। और इसकी हाफ लाइफ जो है इट्स अबाउट 30 to 50 आवर्स, ठीक है, एंड स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन, ठीक है, 7 to 12 डेज, ठीक है, पीक लेवल ड्रग। फेनिटाइन, कार्बामेथिपिन, लिथियम, अमायोडायरोन, साइक्लोस्पोरिन, थियोफाइलिन, जेंटामाइसिन, इन सब की ये थेरेप्यूटिक रेंज है। अगर ये वैनकोमाइसिन 15 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगी तो इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी। उसके लिए कुछ मेजर इंडिकेशन है TDM के लिए, ठीक है, लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स के लिए जो है पुअरली डिफाइंड क्लिनिकल एंड पॉइंट, ठीक है, नॉन कंप्लाइंस के केस में, थेरेप्यूटिक फेलियर के केस में, ऑर्गन फेलियर एंड एडवर्स ड्रग्स प्रिवेंशन, ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ड्रग्स विच रिक्वायर TDM। सो बेसिकली नैरो थेरेप्यूटिक रेंज ड्रग्स जिनके थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड देन देयर इज एन अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड क्लिनिकल इफेक्ट। इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर एक ड्रग जो है वो एक पेशेंट के अंदर जो है वो नॉर्मल क्लिनिकल इफेक्ट दे रही है जितना जो उसको देना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे पेशेंट के अंदर उसका उसी ड्रग का रिस्पॉन्स है वो टॉक्सिक है, सो बेसिकली ये एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म की जो है वो चीज़ है, ठीक है। सो टॉक्सिसिटी, ऐसी टॉक्सिसिटी विद डेट मे लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है। तो इसके अलावा यह है कि सीरम ड्रग कंसनट्रेशंस, जो सीरम ड्रग कंसनट्रेशंस होती है ना वो हम डिटर्मिन करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, मेटाबॉलिज्म से, एक्सक्रीशन से, ठीक है। सो लाइक एज, जेंडर, वेट, स्मोकिंग, डाइट, ये भी ड्रग के इंट्रैक्शंस को या ड्रग की जो प्लाज्मा कंसनट्रेशंस होती हैं उसको इफेक्ट करती है। लाइक एल्डरली एंड न्यू बॉर्न मेटाबोलाइज ड्रग स्लोली, ठीक है जी। हेपेटिक डिजीज में ऑल्टर द मेटाबॉलिज्म, और अ पेशेंट विद अ रीनल डिजीज में क्लियर द ड्रग इन यूरिन मोर स्लोली देन अ नॉर्मल पेशेंट। प्रेगनेंसी में ऑल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में इफेक्ट द सीरम ड्रग कंसेंट्रेशन। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं सीरम ड्रग कंसेंट्रेशन को। ये एग्जाम्पल्स है कुछ ड्रग की। कार्डियो एक्टिव ड्रग्स में हमारे पास डाइजॉक्सिन, प्रोकेना, माइक्रोपेनोलॉल, इनकी जो है वो TDM
होती है। एंड एंटीबायोटिक्स में जेंटामाइसिन, एमिकासिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फेनिटाइन, कार्बामेजिपिन, ब्रोंकोडायलेटर्स के केस में थियोफाइलीन है। एंड कैंसर कीमोथेरेपी के लिए एंटी कैंसर मेथोट्रेक्सेट, इम्यूनोसप्रेसेंट के केस में साइक्लोस्पोरिन। सो ये कॉमनली मॉनिटर ड्रग्स हैं। एंटी कन्वर्सेंट्स के अगर हों देखें, एंटी एपिलेप्टिक्स में देखा जाए तो फेनिटाइन, कार्बामेजिपिन कॉमनली मॉनिटर किया जाता है। कार्डियक्टिव में डाइजॉक्सिन वगैरह को, एंटी एस्टमेटिक में थियोफाइलिन इज द इम्पॉर्टेंट वन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में टैक्रोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन को, एंटी डिप्रेसेंट्स में एमिटिप्रालीन को, डॉक्सीपिन को, डेस्पिरामिन को, एंटीबायोटिक्स में जेंटामाइसिन को, मिकासिन को, एंटीवायरल्स ठीक है, एंटी न्यूरोप्लास्टिक मेथोट्रेक्सेट को, एनाल्जेसिक्स में एसिटामिनोफेन एंड सैलिसाइलेट को, ठीक है। सो ये वो ड्रग्स हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड दे मे कॉज टॉक्सिसिटी, ठीक है, इफ दे गो आउट ऑफ देयर थेरेप्यूटिक रेंज। सो ब्लड सैम्पलिंग में ये है, बेसिकली ब्लड सैम्पलिंग ऑफ द टीडीएम शुड बी टेकन, थेरेप्यूटिक एंड ड्रग शुड बी टेकन एट ट्रफ लेवल्स, ट्रफ सैंपल्स होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डोज इंटरवल, ठीक है। बिफोर गिविंग द नेक्स्ट डोज हम ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं, ठीक है, फॉर द ड्रग्स विद शॉर्ट हाफ लाइफ लाइक थियोफाइलिन एंड वैनकोमाइसिन। बट इन केस ऑफ द लॉन्गर हाफ लाइफ ड्रग्स सैम्पल्स कैन बी टेकन एनी टाइम वंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीट, ठीक है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम आपको बताओ, उसके बाद जो है वो हम ड्रग किसी भी टाइम सैम्पलिंग कर सकते हैं, लाइक डाइजॉक्सिन के केस में, फेनिटाइन के केस में, फिनोबार्बिटोन के केस में, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है कि टीडीएम जो है वो हम जो है वो परफॉर्म करते हैं आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज इलैप्स्ड टू अलाउ फॉर स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट इज बेसिकली जब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो सीएसएस जो है वो यूजली जो है वो बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर, या वीनस सैंपल्स जो होते हैं, वीनस ब्लड सैंपल्स जो हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर द ड्रग रीचेस सीएसएस विच इज स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन, और जो कि आती है यूजली आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ्स ऑफ द ड्रग, ठीक है। जब ड्रग की 4 to 5 हाफ लाइफ्स हो जाती हैं कम्प्लीट, तो उसके बाद स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो ये तो होगी ब्लड सैम्पलिंग हम कब कब कर सकते हैं, और बेसिकली ट्रफ लेवल में कर सकते हैं। इट्स बेसिकली द लोएस्ट कंसेंट्रेशन जो किसी भी ब्लड पेशेंट के ब्लड सैम्पल जो लोएस्ट ड्रग की कंसेंट्रेशन थी बिफोर गिविंग द नेक्स्ट डोज, ठीक है। तो वो उस टाइम हम टीडीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है, उसके बाद आ जाता है कि इंटरप्रेट, हाउ टू इंटरप्रेट द टीडीएम, ठीक है। हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टीडीएम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो इसमें ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये कि क्लिनिकल सिचुएशन रिक्वायरिंग टीडीएम एज अ प्रोफाइलेक्टेड ड्रग, एग्जांपल दिया हुआ डाइजॉक्सिन, एंटी कन्वर्सेंट्स एंड लिथियम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कलेक्ट द ब्लड सैंपल अप्रोप्रिएट टाइम वंस स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड, ओके। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द सैंपल इन अप्रोप्रिएट, एस्टिमेट द ड्रग कंसेंट्रेशन यूजिंग स्किल्ड स्टाफ, ठीक है। इंटरप्रेट टीडीएम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लिनिकल सिचुएशन। सो ये थ्री कैटेगरीज दी हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स की, लैक ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स, नो इफेक्टिव, सेटिस्फैक्ट्री एंड सस्पेक्टेड, दैट इज अ टॉक्सिक रिस्पॉन्स। इफ द रिजल्ट इज विद इन बिलो द थेरेप्यूटिक रेंज, सो चेक द एडहेरेंस। एडहेरेंस इज बेसिकली द पेशेंट इज टेकिंग द ड्रग्स ऑन टाइम, ही इज रिफिलिंग हिज प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ही इज नॉट मिसिंग एनी डोज, सो चेक द एडहेरेंस, ड्रग एडहेरेंस। सो कंसिडर द डोज इन केस इफ देर इज नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट, या बिलो थेरेप्यूटिक रेंज है तो डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स इफ इट इज विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज, स्लाइटली इंक्रीज द डोज, ठीक है, उसके अलावा और चेंज द थेरेपी। एंड इट्स इफ इट इज अबव द थेरेप्यूटिक रेंज, सो चेंज ऑफ थेरेपी और रिकन्सिडर द डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री के केस में, इफ इट इज बिलो मेंटेन द सेम डोज, कंसेंट्रेशन इज वेरी लो, रिव्यू नीड फॉर ऑन गोइंग थेरेपी। सो उसी जो थेरेपी आपकी चल रही है उसी को रिव्यू किया जाना चाहिए। इफ इट इज विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज, सो मेंटेन द सेम डोज, देयर इज नो नीड टू ऑल्टर द डोज। सो इफ रिजल्ट्स आर अबव द थेरेप्यूटिक रेंज, सो असेस द पेशेंट सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को असेस किया जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज एडजस्टमेंट्स की जानी चाहिए। इन केस के पेशेंट जो है वो हेपेटिक जो है वो रीनल इम्पेयर्ड हो सकता है, कोई हेपेटिक डिजीज हो सकती है, ठीक है, तो उस केस में एल्डरली पेशेंट हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी, इफ इट इज बिलो, कंसीडर अदर एक्सप्लेनेशन फॉर पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग और लैब एरर रिपीट ऐसे इफ नीडेड, ठीक है, ऐसे मेथड्स भी किए जा सकते हैं। इफ इट इज विद इन द कंसीडर द पॉसिबल कॉज ऑफ पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, रिजल्ट इज एट द अपर एंड ऑफ थेरेप्यूटिक रेंज, कंसीडर लोअर डोज, ठीक है। अगर अपर एंड पे जा रहा है तो डोज को लो कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। If it is about suspend the dosing and restart at a lower dose, अगर toxicity आ रही है
सो यू हैव टू स्टार्ट एट द लोअर डोज. उसके बाद आते हैं फार्मासिस्ट का रोल. सो फार्मासिस्ट का काम क्या, बेसिकली वो जो उसके जो क्लिनिकल स्टाफ है उसको अप्रोप्रिएट यूज टाइमिंग ऑफ टीडीएम एंड असिस्टेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. ठीक है. उसके बाद यह है कि इनिशियल रेजिमेंट इनिशियल सिलेक्शन जो डोज रिजीम की है वो फार्मासिस्ट को सिलेक्ट करनी चाहिए एंड टू एडजस्ट डोज ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. बायोअवेलेबिलिटी को असेस करना, मेडिकेशन एरर्स, ड्रग इंटरैक्शंस एंड पॉइजनिंग एंड टॉक्सिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोज एडजस्टमेंट्स इन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट्स. ठीक है. तो ये हो गए. उसके बाद है देर आर सम एनालिटिकल मेथड्स फॉर टीडीएम. बेसिकली एनालिटिकल मेथड्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए विच मस्ट बी इन दीज मेथड्स. मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड स्ट्रीमिंग स्ट्रक्चर. ओके. डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ड्रग, सिंपल फॉर रूटीन एंड शुड नॉट अफेक्ट द अदर ड्रग्स विच द पेशेंट इज टेकिंग. ठीक है. इसमें जो आ जाती हैं सबसे पहले टेक्निक्स हमारे पास वो हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एंड फ्लोरीमीट्री, TLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, रेडियो इम्यूनो एसे, एंजाइम इम्यूनो एसे एंड फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन इम्यूनो एसे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट TDM, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. And if you have any questions or you want to discuss any other topic, you can tell me in the comments. And do not forget to like, subscribe and share my channel.